नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। आज के हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है, खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए, क्योंकि आज करवा चौथ है। आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं, लेकिन निर्जल व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और शाम को गणेश जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इसी से जुड़ी कुछ कई खास बातें हम करेंगे हमारे जानी मानी एस्ट्रोलॉजर और फेंग शुई मास्टर ज्योति अरोड़ा जी से। ज्योति अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत। आप सबको मेरा नमस्कार और करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है करवा चौथ का त्योहार। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का त्योहार माना जाता है। पति की लंबी उम्र की दुआ के लिए महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत करती हैं। शाम को चंद्रदेव और करवा माता की आराधना के साथ पति के हाथों से अपना व्रत खुलवाती हैं। यही इस त्योहार की सुंदरता है। निर्जल व्रत करना प्रेम को दर्शाने का वो तरीका है जो पुरातन काल से चला आ रहा है। स्त्री को साक्षात शक्ति कहा गया है। यही शक्ति यमराज को भी हारने पर मजबूर कर देती है। इसी शक्ति और प्रेम का संगम है करवा चौथ। इस बार करवा चौथ पर खास और अद्भुत संयोग बन रहे हैं। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र है। 70 साल बाद मार्कंडेय योग बना है। यह योग बहुत ही मंगलकारी है। रोहिणी नक्षत्र होना अद्भुत संयोग है। इस योग से दुख नष्ट होंगे, दरिद्रता दूर होगी, संबंधों में प्रेम और उत्साह बढ़ेगा। इस बार के मंगलकारी करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाओं का 16 श्रृंगार करना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। आज हम अपने शो में आपको बताएंगे करवा चौथ से जुड़े वो उपाय जो आपकी जिंदगी में सुखद बदलाव लेकर आएंगे। बताए गए खास उपायों को आप जरूर करिएगा। आज अगर करवा चौथ के मुहूर्त की बात करें तो क्योंकि पूजा होती है उसी वही खास होती है, खास तौर से जो महिलाएं होती हैं, सजती हैं, सवरती हैं, वो उसी शाम की पूजा के लिए, तो मुहूर्त की अगर बात करें तो कब ये मुहूर्त है? चलिए मुहूर्त की जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देखिए पहले तो व्रत सुबह शुरू हो चुका है। ये रात 8:18 तक चलने वाला है। उपवास का समय अगर हम देखें तो 13:56 का है, और पूजा जो व्रत से पहले की जाती है उसका शाम को 5:50 से 7:06 तक का समय है। चांद निकलने का जो अनुमानित समय है वो 8:18 बताया जा रहा है। तो यानी कि 8:18 चांद निकलने का समय है, और उसके बाद आप चांद को अर्घ देकर और पूजा कर सकते हैं। पूजन सामग्री की अगर बात करें, क्योंकि पूजा हो रही है उसमें सामग्री का क्या इस्तेमाल की जाएगी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ज्योति जी, तो वो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए बहुत सारी सामग्री इस्तेमाल होती है करवा चौथ के व्रत। देखिए सबसे पहले मिट्टी का करवा ढक्कन के साथ, पानी का लोटा, गंगा जल, दीपक, रुई, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध और दही, देसी घी, शहद, चीनी, हल्दी चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, और मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघी, जो चुनरी, चूड़ा, बिछुआ, ये सब तो इंक्लूडेड होता ही है। इसमें गौरी को बनाने के लिए पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, और लकड़ी का आसन बनाया जाता है जिस पर छलनी रखी जाती है। 8 पूरियों की अठावरी बनाई जाती है, और दक्षिणा दी जाती है, और हलवे का भोग भी लगाया जाता है इस दिन। तो जो जिक्र किया मेहंदी और महावर का, वो सभी महिलाएं लगाती हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि पूजा की विधि क्या रहती है। जी, ये विधि बहुत आवश्यक है। देखिए सबसे पहले तो पूजा के लिए एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं को स्थापित करें, और इसे आप करवे, वहाँ पर आप करवा रख सकते हैं। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। देखिए पूजा चांद निकलने से 1 घंटे पहले शुरू कर दें, और कुछ महिलाएं मिलकर एक साथ मिलकर पूजा करती हैं, ये करवा चौथ की जो पूजा होती है। और पूजा के समय करवा चौथ की कथा सुनना अनिवार्य है। चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ देकर चंद्रमा की पूजा की जाएगी। चांद को देखने के बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत को खोला जाएगा, और अपने सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपए देकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ले
लेना आवश्यक है। तो बिल्कुल, अपनी सासू माँ से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेना न भूलें, जरूर लें उनके पैर छूकर। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आई दरार को दूर करने या वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए आज क्या करना चाहिए? चलिए मैं कुछ उपाय बताती हूँ जिनसे आप आज कुछ खास उपाय करने के बाद आपके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसको बेहतर बनाना है तो आज जो खास उपाय आप कर रहे हैं उस उपाय में आप क्या करें। सबसे पहले इस उपाय में आप अपने जीवन साथी का प्रेम पाने के लिए और मजबूत करने के लिए एक लाल रंग का कागज लें और उस पर अपना और अपने जीवन साथी का नाम सुनहरे पेन से लिखें। एक लाल रेशमी कपड़े में 2 गोमती चक्र, 50 ग्राम पीली सरसों तथा ये सब चीज़ें रख लें और कागज मोड़कर इस पोटली में बांध लें। इस पोटली को अपने कपड़े की अलमारी जिसमें आप अपने कपड़े रखते हैं उसमें बंद करके कहीं छुपा दें और करवा चौथ वाले दिन ऐसा आप करें। अगले करवा चौथ इससे बाहर निकालें और उसे प्रवाहित कर दें। यह है एक उपाय। और दूसरा उपाय मैं बताती हूँ, अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है यानी कि पति पत्नी के बीच में कोई और आ गया है, आपका ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया है या आपके पति का ध्यान कहीं और केंद्रित हो गया है, तो आप अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं उसके लिए मैं आपको ये उपाय बना रही हूँ। आप एमेथिस्ट क्रिस्टल को इस्तेमाल कीजिए। एमेथिस्ट क्रिस्टल रखिए अपने रूम में, उसको ब्रेसलेट या पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं, अपने पार्टनर को पहना भी सकते हैं और ये करिए आप करवा चौथ वाले दिन उसे शुद्ध करने के बाद। चलिए एक और उपाय मैं बताती हूँ, अगर आपके घर में बरकत नहीं है तो आज गणेश पूजन की शुरुआत आज के दिन करें आप लोग, क्योंकि गणेश जी की पूजा आज करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो गणेश जी को सबसे पहले गेंदे के फूल चढ़ाएं और पूरे घर में चंदन की इंसेंस लगाएं, अगरबत्ती भी आप लगा सकती हैं, चंदन अगरबत्ती अगर इस्तेमाल करेंगे काफ़ी शुभ रहेगा। फिर अपनी दीपावली वाले दिन लक्ष्मी गणेश के जो सिक्के होते हैं जो पूजा के समय इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें पूजिए और अपने सेफ में रखिए। ऐसा करेंगे अगर आप तो आपके पैसे से जुड़े जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। एक और उपाय मैं बता देती हूँ शिखा जी, ये उपाय है उन लोगों के लिए जिनको संतान सुख नहीं मिला, तो संतान सुख के लिए आज गणेश जी का पूजन कर वेस्ट डायरेक्शन जो आपके बेडरूम की है वहाँ पर एक एलिफेंट की आकृति रख दीजिए और अपने बेडरूम में रखें पूरे 40 दिन तक अनार, हर रोज़ एक अनार रखें और ये अनार आप सुबह रखें और शाम को पति पत्नी दोनों उसको ग्रहण करें। नेक्स्ट डे फिर आप ऐसा करें, पूरे 40 दिन तक आपको ये उपाय करना है और पिंक रंग का क्रिस्टल लोटस रखना भी काफ़ी शुभ रहेगा संतान प्राप्ति के योग बनाने के लिए। अब हमारे दर्शक ज्योति जी ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि राशि के अनुसार आपके लिए करवा चौथ पर विशेष उपाय क्या रहेंगे, तो प्लीज वो भी बताइए। चलिए पर्सनलाइज उपाय बताते हैं आपको। आपकी राशि के अनुसार जो आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो चंद्र राशि बनती है उसके अनुसार मैंने ये उपाय बताए। तो सबसे पहले चलिए जिक्र करते हैं मेष राशि का। तो मेष राशि वाले लोग इस दिन करवा चौथ वाले दिन पूजन के समय लाल रंग की सुंदर पोशाक धारण करें, आप गणेश जी की आराधना करें और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें 108 बार। भगवान गणेश की उपासना करने के लिए आप अगर आप ये मंत्र का जाप करते हैं और उनकी उपासना करते हैं तो आपके जीवन के समस्त विघ्नों का निवारण होगा और साथ ही साथ आपको धन धान्य की प्राप्ति भी होगी। आज पूजा के पश्चात बूंदी के लड्डू अपनी सास और पति दोनों को सप्रेम सर्व करें और अपनी सास को चांदी का सिक्का या चांदी के आभूषण गिफ्ट करना काफ़ी शुभ रहेगा मेष राशि वालों के लिए। चलिए दूसरी राशि का रुख करती हूँ, तो ऋषभ राशि वालों की बात करते हैं। तो करवा चौथ के दिन आज आपके दिन आपके लिए अच्छा रहेगा रानी रंग का पोशाक पहनना यानी इंडियन पिंक या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना भी आपके लिए शुभ रहेगा, आप ये पहनकर पूजन करें। आज के दिन श्री गणेश को सफ़ेद फूल इत्र व नौ दुर्वा के साथ सफ़ेद लड्डू का भोग लगाना शुभ है। पूजा करते समय आपको जिस मंत्र का जाप करना वो है ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए और श्री गणेश का पूजन करने के पश्चात वृषभ राशि वालों को सभी कार्यों में सफलता व सिद्धि की प्राप्ति के योग बनेंगे। अपनी सास को आज आपको देना है बादाम और बादाम की बर्फी, ये काफ़ी शुभ रहेगा अपने रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए, आपको स्वयं को भी व्रत खोलने के बाद बादाम की बर्फी का सेवन करना चाहिए। चलिए तीसरी राशि का रुख करती हूँ मैं, तीसरी राशि है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वाले आज सुबह गणेश भगवान की प्रतिमा पर दुर्वा की माला बनाकर अर्पित करें और मंत्र जो आपको जाप करना है ओम श्री गण गणाधिपताय नमः, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें व श्री गणेश को गुड़ से बना विशेष
नैवेद्य अर्पण करें आज के दिन। आज के दिन आप हरे रंग की पोशाक धारण करें तो काफ़ी शुभ रहेगा। लाल रंग की चुनरी पहनना, उस पर सोने पे सुहागा। अपने श्रृंगार में गुलाब के फूल आप इंक्लूड कर सकती हैं, अपने बालों में लगा सकती हैं। अपनी सास को भेंट करने के लिए चलिए अब बताती हूँ, आप पिस्ता दे सकती हैं। पिस्ता गिफ्ट करना काफ़ी लकी रहेगा आप लोगों के लिए एज ए ड्राई फ्रूट। और व्रत खोलने के पश्चात आपको मूंग की बर्फी का सेवन करना चाहिए आज के दिन। चलिए अगली राशि की बात करते हैं, आप कर्क राशि का रुख करते हैं। तो कर्क राशि वाले आज के दिन श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद पुष्प की माला बनाकर साथ में दुर्वा की जड़ बांधकर अर्पित करें। आपका आज का जो मंत्र है जो आपको 108 बार उच्चारण करना है वो है ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः। ये मंत्र आप ओम श्री श्वेतार्क देवाय नमः का जाप करें और गणपति जी को प्रसाद में मोदक का नैवेद्य चढ़ाएं। आप अपने श्रृंगार में मोती अवश्य धारण करें और आज अपनी सास को मोती की माला या मोती का कोई आभूषण गिफ्ट करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। साथ ही गिफ्ट करें काजू की बर्फी। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं। तो सिंह राशि वाले लोग आज श्री गणेश को पूरे विधि विधान से पूजन करें। आप श्री गणेश को 108 दुर्वा कुमकुम में रंगकर चढ़ाएं। 108 दुर्वा लीजिए और कुमकुम में रंगकर चढ़ाएं। आपके लिए खास टिप है कि पूजा के समय गुड़ के लड्डू गणपति जी को अर्पण करें। आज नहीं, आप रोज़ अर्पण करेंगे तो काफ़ी शुभ रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका होगा चहुमुखी विकास। आपको आज ऑरेंज या सिंदूरी रंग की साड़ी पहननी चाहिए और अपनी सास को मिठाई में राजभोग या लड्डू अवश्य गिफ्ट करना चाहिए। आज के दिन अपने बेडरूम में सनफ्लावर डेकोरेट करना भी काफ़ी लकी रहेगा आप लोगों के लिए। अगली राशि की बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले आज के दिन हरे मूंग ले लें, हरे मूंग दाल जो होती है उसकी 108 संख्या निकाल लें और श्री गणेश जी की प्रतिमा पर अर्पित करें व भगवान गणेश के मंदिर में हरे मूंग व गुड़ का दान करें। आपको जो मंत्र पढ़ना है वो है ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। आपका मंत्र है श्री वक्रतुंडाय नमः मंत्र, इसका 108 बार आपको जाप करना है, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। इस तरह श्री गणेश का पूजन करने से आपके सभी कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। आपको अपनी पोशाक में धारण करना है ऑरेंज या हरा रंग, ये काफ़ी लकी रहेगा। और अपनी ज्वेलरी में पन्ने से बनी हुई ज्वेलरी यानी कि एमरल्ड से बनी हुई, हरे क्रिस्टल से बनी हुई ज्वेलरी धारण करेंगे तो आपको मिलेंगे अच्छे परिणाम। आपको अपनी सास को मिठाई में देना है पिस्ता या पिस्ता बर्फी गिफ्ट और हरे रंग की साड़ी या सूट भी गिफ्ट कर सकती हैं आप अपनी सास को। ऐसा करने से आपके रिश्ते अपनी सास के साथ अटूट हो जाएंगे और मतभेद भी होंगे दूर। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। तुला राशि वालों की बात करें तो तुला राशि वाले आज के दिन सवाया का लड्डू का भोग श्री गणेश को चढ़ाएं व दुर्वा व पुष्प भी अर्पित करें। ऐसा करने से ना सिर्फ आपके समस्त संकटों का निवारण होगा साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज आपके लिए श्री गणेश स्रोत का पाठ करना भी काफ़ी श्रेष्ठ होगा। आप लोगों को व्रत खोलने के पश्चात बादाम की खीर या फिरनी का सेवन करना चाहिए और आपको पहनने चाहिए पर्पल शेड के या मॉव शेड के कुछ ऐसी ड्रेसेस या आउटफिट आप पहन सकते हैं और श्रृंगार में बालों में लाल गुलाब का लगाना काफ़ी लकी रहेगा आप लोगों के लिए। अपनी सास को भी गिफ्ट करने का चलिए मैं बता देती हूँ, तो आज आप उन्हें किशमिश गिफ्ट कीजिए, किशमिश एज अ ड्राई फ्रूट गिफ्ट कीजिए और रोज़ परफ्यूम भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने गिफ्ट आइटम्स में। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो करवा चौथ के दिन वृश्चिक राशि वाले जातक श्री गणेश को लाल रंग से रंगे 108 चावल के दाने अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावलों की संख्या 108 से कम या ज़्यादा ना हो। दिन में बार बार ओम श्री गण गणाधिपताय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा कोई इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है, आप इसको दिन भर जाप करते रहिए जब भी आपका दिल करे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएँ जो भी हैं परिपूर्ण हो सकेंगी। आपको पहननी चाहिए गाजरी या रस्ट कलर की साड़ी या ड्रेस जो भी आपको पसंद हो और अपनी सास को गुलाब जामुन मिठाई गिफ्ट करें और किशमिश ड्राई फ्रूट भी काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं धनु राशि का। तो आज आपको गणेश जी की आराधना करते समय हल्दी की 5 गठान को श्री गणेश को चढ़ाना है और श्री गणाधिपताय नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको ये करना है। इसके साथ साथ 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर भी गणेश जी को चढ़ाना शुभ है। इस प्रकार पूजन करने से भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। चलिए अब गिफ्ट की बात करें तो आपको अपनी सास को मॉव रंग की या हल्की जामुनी रंग की साड़ी या सूट पहनने चाहिए और गिफ्ट करने के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ साथ बेसन के लड्डू, आम पापड़ का उपहार इस तरह का अगर आप अपनी सास को देते हैं तो ये भी शुभ है।
चलिए अब जिक्र करते हैं अगली राशि का। तो धनु राशि के जो जातक हैं, आज आपको गणेश जी की आराधना करते समय हल्दी की 5 गठान श्री गणाधिपताय नमः मंत्र का जाप करते हुए चढ़ानी है। वह 108 दुर्वा पर गीली हल्दी लगाकर भी गणेश जी को चढ़ाना शुभ है। इस प्रकार पूजन करने से भगवान श्री गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगे। आपको अपनी सास को गिफ्ट करना चाहिए मॉव या हल्के जामनी रंग की साड़ी या सूट, और उन्हें बेसन के लड्डू आम पापड़ के साथ उपहार स्वरूप दें। धनुराशि वालों को आज के दिन पूजन के समय पीले रंग की साड़ी या लाल रंग की साड़ी या ड्रेस पहनना काफ़ी शुभ रहेगा। अब मकर राशि का जिक्र कर लेते हैं। मकर राशि वाले आज श्री गणेश को काले तिल अर्पित करें और आप लोग दुर्वा व लाल रंग के फूल पर इत्र लगाकर श्री गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने जो भी आप अर्पण कर रहे हैं वो करते समय भी आप इस मंत्र का गणेशाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। ऐसा करने से आपके समस्त विघ्नों का निवारण होगा। आपके लिए जो कलर है वो है ऑरेंज, पिंक, ग्रीन, इन तीनों में से कोई भी रंग की साड़ी या ड्रेस लकी रहेगी आज आपके लिए। आपको व्रत खोलने के बाद सेवन करना चाहिए घिया बर्फी या पिस्ता बर्फी का, और अपनी सास को आज गिफ्ट में दीजिए पिन्नी के लड्डू या ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, और सामर्थ्य अगर हो तो नीली यानी एमिथिस्ट क्रिस्टल का पेंडेंट भी आप गिफ्ट कर सकते हैं। अब अगली राशि का रुख करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन श्री गणेश को सिंदूर व तिलक लगाना काफ़ी शुभ रहेगा उनके मस्तक के मध्य पे, बिल्कुल इस तरह से, और हल्दी का तिलक लगाना भी काफ़ी शुभ रहेगा। साथ ही 108 दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाएं और ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आज के दिन हाथी को मोदक या गुड़ की रोटी खिलाना भी आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। आपको अपनी सास को देना होगा उपहार रसगुल्ला या कोई बंगाली मिठाई ताकि आप दोनों के रिश्तों में मिठास घुल जाए, और आपको पहननी चाहिए डार्क पिंक या रानी रंग की ड्रेस या साड़ी। अब आखिरी राशि का रुख करते हैं। आप सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं इतनी देर से, तो मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि वाले श्री गणेश जी की आराधना करते हुए हल्दी की जड़ भगवान श्री गणेश के मस्तक पर अर्पित करें तो काफ़ी लाभ होगा। साथ ही पीले रंग के धागे में पीले पुष्प व दुर्वा की माला बनाकर श्री गणेश जी को आज ज़रूर अर्पण करें। आपको आज पहनने चाहिए गोल्डन या ऑरेंज कलर की साड़ी या ड्रेस। आज अपनी सास को गिफ्ट करना चाहिए केसर की मिठाई या कोई भी मिठाई जिसमें केसर मिला हो, और साथ ही साथ उन्हें गिफ्ट करें कोई गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या रियल स्वर्ण आभूषण अगर आपका सामर्थ्य है तो। ऐसा करने से आपके रिश्ते मधुर बनेंगे और आपके लिए बन जाएगा ये करवा चौथ एक लकी करवा चौथ। तो उम्मीद है कि ये सभी उपाय जो बताए गए हैं वो आपने सुने होंगे। जो ज्योति जी ने बताए आपने बेहद खूबसूरत उपाय बताए हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो इंतजार कर रही थी, और आपके कलर्स जो आप आज पहन सकती हैं अपनी पूजा करते समय, और जो खास बात यहाँ पर ज्योति जी मुझे लगी कि सासू माँ को मनाना बेहद इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। और यहाँ पर नहीं होते बिल्कुल तो। उनको आप अपने गिफ्ट्स दे सकती हैं, तरह तरह के गिफ्ट्स बताए हैं, जिस तरीके से राशि के अनुसार उन्होंने गिफ्ट बनाए वो आप दे सकती हैं, और अपने संबंधों में मिठास भी खोल सकती हैं। और आप सभी को करवा चौथ की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति जी आपको भी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ आए, आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।